हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस ब्यूटी हैक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दैनिक बेल आइकन आएगी वो भी प्रेस करना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले। आज मैं एक पेन बनाने वाली हूँ आपकी हेयर लाइन को फिलअप करने के लिए, या फिर जहाँ भी आपके बाल कम हैं तो वहाँ आप इसे काम में ले सकते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे हेयर फाइबर वगैरह, पर इसे आप घर पर आसानी से हर कोई बना सकता है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब आपको कुछ लगाना ही नहीं है। हर किसी के घर ये प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे ये बन सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बाद मैं लेने वाली हूँ हम मेरा काजल पाउडर, जो कि मैंने घर पर ही बनाया था, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई बना सकता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं इसे कैसे बनाना है अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो। इसके बाद मैं इसमें बीस वैक्स मिलाऊँगी। बीस वैक्स नेचुरल वैक्स होती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर मार्केट में नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप एक बार लेंगे आप इसे हजारों बार काम में ले सकते हैं, लिपस्टिक बनाने में, काजल बनाने में, और भी मैंने बहुत बार बना चुकी हूँ मैं इससे वीडियो, और मैंने सिर्फ एक बार ही बीस वैक्स लिया था। इसके बाद मैंने एक लिपस्टिक कंटेनर लिया है, इसमें मैं ये मेल्ट करके भर दूँगी। अगर आपके ब्राउन हेयर है तो आप रो कोको पाउडर भी ले सकते हैं। फिर आप इसे 5-10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखें और आपकी ये स्टिक तैयार है। आप चाहें तो वैसे पाउडर भी लगा सकते हैं, पर पाउडर फैलता है थोड़ा, ये लगाने में भी आसान है। इसी तरह काजल पेंसिल बनती है, पर काजल पेंसिल पतला सा पेन होता है, उसे लगाने में काफ़ी टाइम लगेगा। इससे आप इजीली एक बार में ही पूरे बालों पर लगा पाएंगे, और जब ये बन जाए उसके बाद आपको फ्रिज में वापस रखने की ज़रूरत नहीं है, 20 वैक्स से ये मेल्ट नहीं होगा। और इसकी वर्किंग काफ़ी अच्छी है, और आपको इसको लगाने के बाद लगता है थोड़ा ऑयली लग रहा है, वैसे लगेगा नहीं पर थोड़ा ऑयली लगता है, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आईब्रोज के लिए जेल बनाया था, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। या फिर इसको लगाने के बाद टिश्यू पेपर से हल्का सा रब कर लें, फिर आपको बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगा। सो आई होप आपको ये मेरा अच्छा सा डिफरेंट सा वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।